मनीष सिसोदिया की दिवाली बीतेगी जेल में। शराब घोटाले में कोर्ट ने नहीं दी राहत। बंद हो जाएगी केजरीवाल की पार्टी। दिल्ली नई एक्साइज पॉलिसी मामले में आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को 22 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और कैसे आप पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कोर्ट में क्या हुआ? दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को 3 चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने का निर्देश दिया। इसके अलावा आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे हुए दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा। कोर्ट ने सीबीआई से ये भी कहा कि आरोपियों के अधिवक्ता को रोज दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाए। संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए सिसोदिया मुस्कुराते हुए अपने वकीलों से बात करते दिखे। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के अलावा ईडी भी जांच कर रही है। फरवरी से जेल में है सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी अंत में गिरफ्तार किए गए थे और तब से उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि आबकारी मंत्री रहते हुए सिसोदिया ने 2021 में जो आबकारी नीति बनाई उसमें शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत मिली। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को पुरजोर तरीके से खारिज करती रही है। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आपकी संपत्तियां हो सकती हैं जब्त। हाल ही में इसी केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। अब ईडी ने कहा है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने पर चर्चा की जा रही है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी आपके खिलाफ पीएमएलए की धारा 70 लगा सकती है जो कंपनियों और संगठनों के आर्थिक अपराधों से जुड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत मनी ट्रेल के सबूत मिलने पर पार्टी की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। क्या था शराब घोटाला? दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक नई नीति के तहत होलसेल कारोबारियों का मुनाफा मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि नई नीति के परिणाम स्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि दिल्ली सरकार और सिसोदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।